गुड मॉर्निंग। और कल इतनी ज्यादा बेइज्जती मचाने के बाद ये मिस्टर, आपको पता है लोग कह रहे हैं कि लाइक हैशटैग सेव अभय, सेव ये, सेव वो, पता नहीं क्या क्या, और ये क्या करते रहते हैं। व्हाट, क्या कैन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ लिटिल बिट? कल तो उन्होंने शक्ल दिखाने से मना कर दिया था। ओ माय गॉड, अच्छे बाल ठीक होएंगे अभी तो। गोल गप्पे, मैं सोच रहा हूँ अभी सुबह सुबह क्या बेइज्जती करूँ तुम्हारी। मेरी बेइज्जती सोचना पड़ता ना थोड़ा है। स्क्रिप्टेड नहीं लगना चाहिए। स्क्रिप्टेड मींस व्हाट? लाइक मतलब तुम जैसे मुझे बताती हो ना ये बोलना। मैं कुछ नहीं बताती, आप मेरा सुना हुआ आज तक अगर ये करते तो पता नहीं कहाँ होते। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसी कौन सी बेइज्जती करूँ मैं तुम्हारी जिसकी वजह से तुम्हारे कमेंट ही कमेंट आए। आपको पता है किसी ने मुझे, मेरी एक लाइक स्टूडेंट है, उसने मुझे बोला कि आप एक चैलेंज करो सेइंग यस टू योर हस्बैंड, जो भी वो बोले। वो तो हो ही नहीं सकता, पहली हार मान ली इसने। पढ़ते ही पढ़ते ही बोलते ही ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों, उसमें क्या है? आप मुझसे खाने के लिए यस बोलना बहुत बड़ी चीज हो ना तुम्हारे लिए, बोल ही नहीं सकते। कितना तो यस बोलती, बिल्कुल यस वुमेन हूं मैं। उसने बोला यस बोलना है आपको हस्बैंड को, इसने पहले ही नो बोला। डिप्रेशन में आ जाऊंगी कढ़ी बना बना के, सच बता रही हूँ आपको। कढ़ी बनी है, भिंडी बनी है, थोड़ा सा दर्शन करा देती हूँ अभी आपको। तो बनी है अभी, इसमें छोक लगाना बाकी है। ये बन गई भिंडी और ये बनी है थोड़ी सी सिंधी स्टाइल कढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलो फिर पहले फटाफट से खाना खा लेते हैं और उसके बाद में तैयार हूँ मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए। नो प्रॉब्लम। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी चुप क्यों, क्योंकि मैं पिछले 3 घंटे से बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। अरे यार शिट। आपको पता है जब एग्जाम्स अप्रोचिंग, लाइक एग्जाम्स आते हैं ना स्कूल्स में और ऊपर से ऑनलाइन में, तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे टास्क होते हैं बैक टू बैक बैक टू बैक। और आप मेरी आंखें देखो कैसी हो रही हैं, और बड़ी बड़ी हो गई, मतलब थोड़ी हैवी हो जाती है ना जब वैसी। और पिछले 3 दिन से लगातार बारिश आए जा रही है, आए जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको पता है आज क्या हुआ क्लास के अंदर? एक क्लास थी मैंने, उसमें मुझे याद नहीं कौन से क्लास की बात है, दो बच्चे ब्लैंकेट ओढ़े बैठे हुए थे। हैदराबाद में इस समय इतनी ठंड जैसा हो रहा है, बिल्कुल फैंस नहीं चल रहे हैं, मतलब एसी तो बहुत दूर की बात है, फैन बिल्कुल बंद है। और सुबह नहाने में जो नानी दादी एक साथ याद आ जाती है ना मुझे, तो आज तो सारा दिन हो गया पता है आपको, इतना सारा काम, क्वेश्चन पेपर्स, ये वो चीज़ें खत्म ही नहीं हो रही थी पता है, बैक टू बैक बैक टू बैक। अब बस थोड़ी सी सब्जी लेने जा रही हूँ। और आपको पता है हमारे यहाँ, चला आके बताती हूँ आपको, कुछ बताना है। तो सबसे बड़ी गलती बारिश में क्रीम जूतियाँ पहन के बाहर आने की, और फिर मैं इतनी बचते हुए आई हूँ कि इस पर थोड़ा सा भी निशान ना लगे कूद कूद के। आज आप पेस्ट्री नहीं खाओगे? नहीं, मैंने छोड़ दी पेस्ट्री। क्यों छोड़ दी? क्योंकि आप मोटे हो रहे इसलिए? मैं मोटी हो रही हूँ इसलिए? मुझे लग रहा है मैं ही डाइटिंग कर लूँ, मैं ही एक्सरसाइज कर लूँगा। हाँ, क्योंकि आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, राइट? सही है। चलो जरा सब्जी तो दिला लाओ, लौकी तोरी टिंडे भिंडी, उससे खा के तो मोटे नहीं होंगे ना। वो बचपन में आपने कहानी सुनी होगी बंदर की, जिसमें वो आप उसको फल मारो या कोई भी चीज उसकी तरफ फेंक के मारो तो रिटर्न में नकल निकालता है, वो यही है, इस पर लिखी गई है वो कहानी। सही है, खाओगे वो ये खाएगी, जो आप मंगाओगे वो ये मंगाएगी। चलो सही है, ठीक है, जरा ले लेते हैं एक बार। आ गए यहाँ पे। इसने मुझे बोला कि मैंने डाइटिंग पे हूँ, मैं अब डाइटिंग से ही देखो अब कर लूँगी, थोड़ी मेंटेन हो जाऊंगी। और अभी स्विगी से इसने चाउमीन ऑर्डर करी है, देखो मोमोज तो स्टीम्ड होते हैं ना। मैं चाउमीन इसलिए बोला क्योंकि जिससे असली चीज बता दे। सही है, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, ऑसम, बहुत शानदार वाली। और नहीं मास्क,
सही बात है। तो जी अभी ये आ चुके हैं वाव मोमोस, ठीक है ना। आज मैंने सोचा थोड़ा सा मोमोस खाए जाए, और ये एक बॉक्स है। अभी आपको मैं इसका ना वो बताती हूँ ऑफर स्विगी पे क्या है। मैंने एक सुपर प्लान बेच, आई थिंक सो कौन सा प्लान है वो, एक ले रखा है, तो उसमें ये बाय वन गेट वन फ्री आया है, मतलब 90 रुपीज़ में वन बॉक्स एंड वन बॉक्स। तो टोटल कितने हो गए, 2 बॉक्सेस हो गए, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, होल्ड करो एक बार। तो ये दार्जिलिंग मोमोज हैं, सिंपल वेज फिलिंग वाले। यहाँ पे भी नॉन वेज की बहुत वैरायटी है उसके अंदर, पर मैंने एज़ यूजुअल सिंपल वेज मोमोज मंगाए हैं। इनका जो आउटलेट है ये वाव मोमोज का 350 प्लस आउटलेट इन 17 सिटीज़। माय गॉड। तो ज़रा टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि कैसे हैं। अब मैंने तो अभी जस्ट भिंडी रोटी खाई है। एक्चुअल में भिंडी रोटी मैंने दिन में खा ली थी, ठीक है, और अब बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है, मैं इतना ज़्यादा पेपर बनाने में बहुत बिजी हो गई, तो अब बिल्कुल भी समय नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा श्रीखंड हैं। आज मूड थोड़ा ख़राब है मिस्टर का, थोड़ी आँखें दुख रही हैं और मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप लोग क्या करते हो, दवा खाते हो क्या सीधे सर दर्द? अरे मैं बात कर रही हूँ, क्या बनाती रहती है? अभी तो ऐसे रिकॉर्ड कर रही है ना। ऐसे क्या रिकॉर्ड कर रही है, क्यों स्क्रिप्टेड है ये? अभी असली में चल रही है रिकॉर्ड। हाँ, ऑफ कोर्स असली में चल रही है। और ये खाया जा रहा है मैंगो श्रीखंड, जो कि आजकल का करंट फेवरेट है। करंट यही है ना आपका। जगह कैसे खा ली ये देखो, तानी के गाइस धोखा हुआ हमारे साथ, ये अंदर स्कूप कोई पहले खा चुका है जी। नहीं, ये जब हम फिलिंग करते हैं तो वो रह जाता है। हाउ इज दैट, वो ज्यादा टेस्टी था, इलायची का ज्यादा अच्छा, इलायची श्रीखंड। मुझे तो खिला दो, मोमोस खाओगे तो मोमोस तो बाद में खाऊंगी, एक चम्मच तो खिला सकते हो यार। ये कैसे तूने मेरे साथ धोखा किया? कौन सा धोखा किया मैंने, याद आएगा फिर बताओ। दे दो ना यार थोड़ा सा, ठीक है आप चलो छोड़ो रहने दो, कोई जब किसी को सुनना ही नहीं है तो। वैसे भी मैं अपनी पसंद से लेके आई थी ये वाला, भी नहीं पसंद इसको श्रीखंड। नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैंने आइसक्रीम छोड़ के पता है श्रीखंड खाना चालू किया है, बिकॉज आइसक्रीम से तो बेटर है। कुछ नहीं, उसके बदले कुछ खाना चालू जरूर करना है। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? शाम को स्विगी करती हूं। अरे यार कैसे, तो रोटी बनाती तो मैं ही हूँ ना। खाते कहाँ से, उड़ के आते हो क्या कहीं से? क्या होगा, पानी दे रहा। कुछ नहीं होगा, मेरा सब कुछ अच्छा होगा, अभी भी अच्छा ही हो रहा है। देखो खाए जा रहे हैं, उन्होंने मुझे बोलते हाफ हाफ शेयर करके खाएंगे। वो तो है ही यार, ह्यूमन टेंडेंसी है, बोलता कुछ है करता कुछ है। मतलब कौन, ह्यूमन टेंडेंसी। देखो शक्ल दिखा रहा है आज। और जनाब के लिए इतनी सारी चीजें लेके आती हूँ मैं, आप तब भी मतलब लाइक क्या है, कोई फायदा ही नहीं है। व्हाट आहा, अब ऐसे चटकारे मारो मत। वाओ, ये पर्दा हटा दो जरा, मुखड़ा दुखा दो, वल्ला वल्ला दिखा दो, दुखा दो नहीं वल्ला। देख तानी, तू जितनी देर रिकॉर्डिंग करेगी खत्म होता जाएगा। नहीं मैं तो रिकॉर्डिंग करती रहूंगी, आपको फिर दूसरा मंगाना पड़ेगा मेरे लिए। दूसरा श्रीखंड मंगाओ। नहीं, दूसरा मंगाना पड़ेगा। नहीं, पूरा खत्म कर दिया। हो अबे बिरबू, अरे चम्मच से टेस्ट, इसमें तो पानी छूट रहा है नीचे, तभी तो कह रहा मत खा। अच्छा नहीं है ये, उसमें भी पानी रहता है इलायची वाले में। दे एक बार चम्मच से चख। हद होगी मैन, हद होगी, भयंकर वाली हद होगी, अति पार वाली हद होगी। तू जब तक तो रिकॉर्डिंग करेंगे मैं खाता रहूंगा, अब देख ले। रिकॉर्डिंग तो मैं बंद करने नहीं वाली, और आपसे मैं खा के रहूंगी। चैलेंज, हाँ जल्दी दो, नहीं होगा, दे दो ना, मैं छीन लूं हाथ से। ठीक है कोई बात नहीं, चलो छोड़ो यार रहने दो, पेट दुखेगा आज अकेले खाएंगे तो। और सुबह मैं आपको अपडेट करूंगी कि रात को पेट दुखा था कि नहीं दुखा था। सो स्टे ट्यून्ड, सुबह मैं पहले उठता हूँ। यम, वैसे मैं भी बहुत अच्छे बनाती पता है, तो खा लूँ एक बार। मुझे पता है आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कुछ भी नहीं किया, नथिंग हैपनिंग, कुछ भी नहीं। मैं आपको सच बता रही हूँ, आज का दिन इतना ज़्यादा बिजी गया और मेरी आंखें इतनी ज़्यादा चढ़ रही हैं, इतना थक गई हूँ, और अभी भी काम करते करते ना 12:15 बज चुके हैं।
और व्लॉग भी ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई, इतना सरदर्द और इतना हेक्टिक शेड्यूल था एक्सट्रीमली, मेरा भी रब है कभी। और आने वाले दिनों में हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो आपको बताती हूँ, थोड़ा आप गेस लगा ही सकते हो 10 तारीख को क्या है। तो उनकी तैयारी हो रही है, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो हम गणपति जी तो ले आए हैं और अब सारी प्रिपरेशन, क्या लाना है, कैसे करना है, बिकॉज ये हम लोग का फर्स्ट टाइम होने वाला है। मेरी मम्मी करती हैं पर मेरे इन लॉज में कभी नहीं हुआ आज तक, तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। देखते हैं किस तरीके से करते हैं। अबे का बहुत मन था, मन मेरा भी बहुत था, तो इस बार सोचा कि उस था को है में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो कल थोड़ी शॉपिंग है, उसी के रिगार्डिंग सारा सामान लाना है। एक अभय ने मुझे लिस्ट बना के दी है कि आपको ये चीज़ें लेके आनी है, तो मैंने कहा ओके। तो बस अभी डेकोरेशन, कल से आई थिंक सो डेकोरेशन का काम शुरू करती हूँ और फिर सामान लाना है, और फिर परसों तो बप्पा आ ही रहे आप सबके घर में और मेरे घर में भी, 8-9 दो दिन बाद। तो फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, मज़ा आने वाला है आई थिंक सो। आप सब लोग भी खुशी होंगे। सो बस अब व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, व्लॉगिंग ख़त्म करती हूँ अपनी यहाँ पर, एडिटिंग भी ख़त्म करती हूँ। जल्दी से एक कप कॉफ़ी बना के लाती हूँ, कॉफ़ी पी के, और फिर मैं लेट और सुबह एज यूजल क्लास है। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम व्यूज, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू सुपर सून, बाय बाय।